नमस्कार, बीटीए न्यूज के इस विशेष प्रसारण में आप सबों का स्वागत है। लगातार मतदान के बाद संभावनाओं का दौर अलग अलग ढंग से अलग अलग पक्षों द्वारा और उसके बाद मतदान समाप्ति जो आखिरी चरण था उसके बाद एग्जिट पोल की बारी, चर्चा इस पर। बहरहाल एग्जिट पोल की जगह एग्जैक्ट पोल 4 जून को ही पता चलेगा और उसकी तैयारी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन के नेतृत्व में शिवधारा बाजार समिति में वज्रगृह में मतगणना कार्य की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतगणना परिसर के अंदर कोई भी वाहन व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के नहीं प्रवेश करेंगे। मीडिया कर्मी केवल चुनाव आयोग द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र के आधार पर ही प्रवेश करेंगे। कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर मतगणना परिसर में नहीं जाएंगे, ऐसा निर्देश है। विधि व्यवस्था को लेकर 45 स्थलों पर प्रतिनियुक्त किए गए हैं दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी। यहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा जिला संयुक्तादेश जारी किया गया है। लोकसभा निर्वाचन 24 के लिए 13 मई को चौथे चरण में मतदान हुआ था और 4 जून को मतगणना की तैयारी, वज्रगृह शिवधारा बाजार समिति। संयुक्त आदेश में कहा गया है कि वज्रगृह एवं मतगणना हॉल जाने के रास्ते, मतगणना परिसर के प्रवेश द्वार आसपास समुचित सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखा जाए। NH-57 पर मतगणना कार्य से संबंधित वाहन को छोड़कर सभी वाहनों का परिचालन 4 जून को सुबह 5 बजे से ही मतगणना कार्य की समाप्ति तक बंद रहेगा। शिवधारा चौक से बाजार समिति परिसर और NH से बाजार समिति जाने वाली सड़क पर कोई वाहन व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया है कि वह सुनिश्चित करेंगे कि बाजार समिति के अंदर से कोई वाहन अथवा कोई व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के परिसर में नहीं जाए। मतगणना कार्य में लगे कर्मचारी पदाधिकारी के लिए बाजार समिति के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर दाहिनी तरफ गार्ड रूम के पास खाली जगह पर दोपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अन्य पदाधिकारियों के लिए बाजार समिति अवस्थित FCI गोडाउन बियर हाउस के पास 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मतगणना अभिकर्ता के लिए 57 से बाजार समिति जाने वाली सड़क के किनारे अवस्थित वैदेही पार्क के पास पार्किंग स्थल पर व्यवस्था की गई है पार्किंग की, और इस तरह सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। संयुक्त आदेश में बताया गया कि राजनीतिक दलों द्वारा स्थापित किए जाने वाले केंद्र अथवा पार्टी कार्यालय बाजार समिति के अंदर या NH-57 से शिवधारा चौक के बीच किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। मतगणना केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों किनारे पर 2 गेट और बीच में 1 गेट बनाया गया है। बीच वाले गेट से मतगणना कर्मी तथा अन्य दोनों गेट से मतगणना अभिकर्ता प्रवेश करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल, झोला, बैग, गुटखा, नशापान की अन्य सामग्री अथवा आपत्तिजनक सामान लेकर मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे। मतगणना परिसर में नियंत्रण कक्ष के पास सिविल सर्जन दरभंगा द्वारा आपात चिकित्सा व्यवस्था की भी व्यवस्था रखी गई है और कंट्रोल रूम का नंबर 06272240047। मतदान पर लोग जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि मीडिया कर्मी केवल चुनाव आयोग द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र के आधार 13 मई को चुनाव हुआ। आप जान ले दरभंगा में जो संसदीय 14 दरभंगा संसदीय क्षेत्र है उसमें 6 विधानसभा पड़ता है। 79 गौरा बराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा शहर और 85 बहादुरपुर। कुल मतदाताओं की संख्या अगर हम जाने तो यहाँ 17,81,356 वोट थे। इसमें 9,36,591 वोट जो पुरुष के हैं और 8,44,731 वोट महिला के हैं। महिला और पुरुष का वोट इसलिए बता रहे हैं कि इस पर गौर करेंगे। अधिकतर संख्या जो मतदाताओं की है वो पुरुष मतदाताओं की है। 8,44,731 के मुकाबले 9,36,000 यानी लगभग 92,000
वोट ज्यादा पुरुष मतदाताओं के हैं। अब इन मतदाताओं ने जो वोट डाले उनका प्रतिशत भी जान लीजिए। 17,81,356 मतदाताओं में मतदान केंद्र तक या पोस्टल बैलेट के सहारे जो जाएं उन मतदाताओं के बारे में जानें। मतदान केंद्र तक गए 10,21,962 मतदाता, जिसमें अधिक संख्या रही महिलाओं की। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप जान लीजिए कि वोटर बनने के मामले में पुरुष मतदाता आगे रहे तो वोट गिराने के मामले में महिला मतदाता काफी आगे दिखी। जहां 4,90,872 पुरुष मतदाताओं ने घर से बाहर निकलकर मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वहीं महिलाओं की संख्या 5,31,090 रही। यानी पुरुष के मुकाबले 41,000 अधिक महिलाओं ने अपने वोट का प्रयोग किया, और यही कारण है कि मतदान प्रतिशत भले ही घटा लेकिन एक सीमा तक महिलाओं ने निर्वाचन आयोग की और लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बरकरार रखा। सबसे ज़्यादा जो मतदाता निकले वो अगर हम बात करें तो 6675 गौरा बौराम का नंबर आता है, जहां सबसे अधिक मतदान इन 6 में हुआ। और अगर सबसे कम बात करते हैं तो दरभंगा शहर इस मामले में 55.73 का यहां प्रतिशत रहा। लेकिन मतदान में महिलाओं की संख्या चौंकाने वाली है। ये इसलिए कह रहे हैं कि जो परसेंटेज रहा, आप जान लीजिए कि 6675 महिलाओं का जो प्रतिशत है गौड़ा बराम में और शहर में 55.73। पुरुषों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पुरुष 85 बहादुरपुर में निकले, जिनका प्रतिशत 56.67 रहा। और सबसे कम दरभंगा ग्रामीण की महिलाएं, सबसे कम जो दरभंगा ग्रामीण के पुरुष मतदाता हैं वो 48.67, और महिलाएं इसमें आगे रही। कुल मिलाकर हम बात करें तो अगर हम संख्या में प्रतिशत से अलग हट करके बात करते हैं वो डिटेल में, तो 10,21,962 वोट गिरे हैं। बाजी कौन मारेगा हम उम्मीदवार पर चर्चा करते हैं। गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी हैं। ये पहली बार 2019 में सांसद रहे। दुर्गानंद महावीर नायक बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि ललित कुमार यादव राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। अन्य सभी जो प्रत्याशी हैं, किशोर कुमार दास, रंजीत कुमार राम, रजनीश कुमार, सरोज चौधरी, मिथिलेश महतो या प्राधिकृत नहीं, निर्दलीय हैं। और 9वें नंबर पर नोटा भी था, जो अवैध मत होता है। अब 10,21,962 मतदाताओं में जीतने वाले को अगर सीधा मुकाबला है गोपाल जी ठाकुर ललित कुमार यादव में, तो जादुई आंकड़ा 5,00,000 के करीब आना होगा। अगर हम घटा देते हैं नोटा का भी, जो अगर पिछला इतिहास रहा है 20,000 से 30,000 या अन्य उम्मीदवार को भी वोट कुछ पड़ते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी जीतने वाले उम्मीदवार को 5,00,000 के आसपास आना है। अब सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो महिला वोट का है। जहां दरभंगा संसदीय क्षेत्र में गौरा बराम की बात हम करें तो यहां वोटरों ने जो वोट डाले 70,459 वोट गौरा बराम के पुरुष मतदाताओं ने दिए, तो उनके मुकाबले 83,452 वोट महिला मतदाताओं का। 80 बेनीपुर में भी वही स्थिति है, 83,111 पुरुष मतदाता निकले, उनके मुकाबले 91,813। 81 अलीनगर में 74,041 पुरुष मतदाता, तो 88,577 यानी 14,000 ज्यादा महिला मतदाता लोकतंत्र में वोट गिराने के लिए निकली। दरभंगा ग्रामीण में 77,163 पुरुष मतदाता वोट डालने गए, उनके मुकाबले 87,491 महिला मतदाता।
दरभंगा शहर की बात करें, यहां थोड़ा उल्टा रहा। 92,194 पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तो 83,871 महिला मतदाता ही मतदान केंद्र पहुंच पाई। 85 बहादुरपुर में भी 93,904 के मुकाबले महिला मतदाता 95,886 निकले। यानी सीधी सी बात है कि दरभंगा शहर में ही पुरुष मतदाता एग्रेसिव रहे, बाकी अन्य 5 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा रही। कुल मिलाकर हम बात करें तो 4,90,872 पुरुष मतदाताओं ने दरभंगा 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया तो 5,31,090 महिला मतदाता, यानी अगर हम बात करें 41,000 ज्यादा महिला मतदाताओं बढ़कर निकली मतदान केंद्र तक। इसके अलावा पोस्टल वोट जो 85 वर्ष से ऊपर के लोगों का था वो अलग है तो 57.37% वोट मिले हैं। महिला मतदाता का ये मत निर्णायक हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। अब देखना है 8 प्रत्याशी में कौन बाजी मारता है। जो एग्जिट पोल है, आकलन है, गोपाल जी ठाकुर और ललित कुमार यादव के बीच मुकाबला, और ऐसे मुकाबले में जो जादुई 5 लाख का आंकड़ा है वहां पहुंचना होगा। दोनों जीत के दावे कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में गोपाल जी ठाकुर के भाजपा समर्थक ज्यादा उत्साहित हैं, लेकिन बीच बीच में राजद खेमे में भी खुशी इनकी खुशी में खलल डालता है। यूं कहा जाए तो लड्डू बनाने की तैयारी फेसबुक पर तो दिखता है, लेकिन वास्तविक में सन्नाटा तो दोनों ओर है, चाहे वह भाजपा कार्यालय हो या राजद कार्यालय। एग्जिट पोल आने के बाद भाजपा खेमे में थोड़ी खुशी है, लेकिन उसके खंडन भी करने वाले जो संपर्क के लोग हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वे कर रहे हैं, कहते हैं 2004 में भी साइनिंग इंडिया फेल हुआ था, इस बार भी होगा। चंद घंटों की बात है, ऊंट किस करवट पलटेगा यह एग्जिट पोल नहीं एग्जैक्ट पोल में नजर आएगा। तब तक प्रशासन की तैयारी और चाय पान की दुकान पर सुबह मॉर्निंग वॉक से लेकर शाम की चाय की चुस्कियों में एग्जिट पोल की चर्चा, एग्जिट पोल से मिलान, अपने अपने दावे और चुनाव में किए गए वादे की चर्चा, पूरा चुनावी माहौल। मौसम की गर्माहट थोड़ी ठंडी हुई बारिश के बीच, लेकिन चुनावी चर्चा की गर्माहट बरकरार है। बीटीएन न्यूज लगातार मतदान के दिन भी आपके साथ रहा, मतगणना के दिन भी 14 दरभंगा संसदीय क्षेत्र की स्थिति ताजा अपडेट आप तक पहुंचाने की यथासंभव कोशिश करते रहेगा। बाजार समिति परिसर से जैसे जैसे मतगणना का रुझान आएगा हम आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे।